हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बताइए अपने हाल चाल। और अब हम स्टार्ट करते हैं द रॉकिंग हॉर्स विनर लेक्चर नंबर 3। तो होप आपको चैप्टर 1 मतलब कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 द हॉर्सिंग वो विनर का क्लियर है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है बच्चा, आई एम सेइंग यू, कोई भी डाउट है तो प्लीज लिख दीजिएगा। और बार बार आप पूछते हो ये कौन सी बुक का है, तो आई एम सेइंग यू, ये वुवन वर्ड्स बुक का है लेक्चर नंबर 3। और चैप्टर नंबर भी ये हमारा कौन सा चल रहा है, 3। ठीक है, कोई डाउट है जल्दी बता दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज टेल मी कि अगर मैम ये डाउट है आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। ठीक है, तो अब तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है? अब तक हमने एक पॉल के कैरेक्टर के बारे में बच्चा पढ़ा है। ठीक है, पॉल के कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है और उसकी मदर के कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है, जिसकी मदर बिल्कुल खुश नहीं होती अपनी शादी करने के बाद। ठीक है, शादी करने के बाद वो बिल्कुल खुश नहीं होती। क्यों नहीं खुश होती अगर मैं आपसे पूछूं तो? मैम क्योंकि ना उसे लगता है कि शादी करने के बाद उसे खुशियां मिलेंगी, बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे होते हैं जो उसे इतने प्यारे बच्चे होते हैं, बट उन बच्चों को देख के वो ये सोचती है कि भाई उसकी तो किस्मत खराब हो गई। कैसे, क्यों खराब होगी? क्योंकि उनके ऐसे ही लगता था कि उनके घर में पैसे की कमी है। ठीक है, किसकी कमी है? मनी की कमी है। लेकिन अगर हम चैप्टर में देखें तो चैप्टर में हमने एक चीज और बात करी थी कि भाई उनके में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, जो उनके सराउंडिंग्स में थे, या हम ये कहें कि जो उनके पड़ोसी थे, नेबर से, वो उनसे बेटर रहते थे। क्लियर है? जल्दी मुझे बताइए, यहां तक अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे बताइए। आगे चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो पॉल की मदर है वो ये कहती है कि वो अनलकी हस्बैंड से शादी करती है। ठीक है, तो पॉल ने कहा था क्या लकी वो होता है जिसके पास पैसा होता है? तो उसकी मदर ने कहा था नहीं, लकी वो नहीं जिसके पास पैसा होता है, लकी वो है कौन जिसकी वजह से पैसा होता है। तो लक को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि अगर लक होगा तो पैसा होगा, लेकिन अगर पैसे को हम लक कहेंगे तो ये गलत है। उसकी मदर ने बोला अगर लक है तो आप पैसा होगा। तो उसके बाद हमने चैप्टर में और चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि उसकी मदर ने ये कहा था, तो पॉल ने पूछा क्या आप अनलकी हो? ठीक है, तो उसने कहा था मैं बहुत अनलकी हूँ क्योंकि मेरे जो तुम्हारे फादर हैं उससे उनकी शादी हुई थी। तो पॉल को बहुत ज़्यादा अचानक सा लगता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई मैं तो अनलकी नहीं हूं। क्या बोलता है? कि मैं तो अनलकी नहीं हूं। तो उसकी मदर कहती है कैसे? तो उसने कहा मेरे को तो गॉड ने कहा है। तो उसकी माँ हंसने लग जाती है कि अच्छा भाई तुझे किसने, गॉड ने कहा है? जहां तक कोई डाउट था, तो उसकी माँ हंसने लग जाती है, मतलब कि बिटरली कड़वेपन से हंसने लग जाती है। और साथ ही साथ जब पॉल देखता है कि उसकी मदर ने, उसने इतने कॉन्फिडेंटली उसकी मदर को बोला है क्या कि भाई मुझे भगवान ने कहा है मैं तो बहुत ज्यादा लकी पर्सन हूं, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो रूम में चला जाता है। जब रूम में जाता है तो हमने देखा था कि वो हॉर्स पे बैठ के गुस्से में हॉर्स का जो हम ये कहते हैं पट्टी करता रहता है, और जो उसकी बहनें होती हैं वो साथ में बैठी होती है, लेकिन उन्हें पता है कि भाई पॉल तो आज बहुत गुस्से में है और इस वजह से वो उन्हें कुछ कहती नहीं है। लेकिन जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि बच्चों को घर में एक हॉन्टिंग फ्रेज मिलता था कि भाई मनी ज्यादा होनी चाहिए, पैसा और होना चाहिए, पैसा और होना चाहिए। यहां तक बच्चा आपको कोई डाउट था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, इलेक्टिव बुक है। व्हाट आई एम सेइंग यू, इलेक्टिव बुक है। तो बार बार मैं आपको बीच में बोलती रहती हूँ कि बेटा ये एनसीईआरटी है, इलेक्टिव बुक है, और इसका नाम है वुवन वर्ड्स। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसको ऑप्ट किया है, ये जिन बच्चों ने ऑप्ट नहीं किया है, तो बेटा जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है उनके लिए 11th की दूसरी बुक्स हैं, लेकिन जिन्होंने ऑप्ट किया है, इलेक्टिव बुक है, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस पे वीडियोस नहीं मिलती हैं। ठीक है, और जिन्होंने ऑप्ट किया है या उनके स्कूल वालों ने वुवन वर्ड्स लगवाई हैं, तो बेटा आई एम सेइंग यू, आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में ना इतना हेल्प करेगी कि हम स्टोरी की तरह पढ़ें और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी इंग्लिश का फ्रेज कितनी जल्दी क्लियर हो जाता है। ठीक है, और कोई डाउट है जल्दी मुझे बताइए, कोई डाउट है? चले आगे। चलो भाई अब हम आगे पढ़ते हैं इस बुक को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी थी कि हॉन्टेड प्लेस, मतलब कि एक चीज बच्चों को स्पेशल नहीं कहते थे कि भाई हमें पैसे और चाहिए, लेकिन उनके मन में इतना बस गया था कि भाई हमारे घर में तो यही बात हो रही है कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए।
कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी बताओ बेटा, अगर कोई डाउट आता है ना आपको सेशन में, प्लीज लिख दीजिएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली क्लियर द सेम. इट केम विद स्प्रिंग फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ द स्टिल स्वानिंग रॉकिंग हॉर्स एंड इवन द हॉर्स ब्लेंडिंग हिज वुडन चैंपिंग हेड हियर दैट द बिग डॉल सिटिंग सो पिंक स्मर्कली इन द न्यू पाम कुड हियर इट क्वाइट प्लेनली एंड सीमिंगली द स्मिकिंग ऑफ द मोर सेल्फ कॉन्शियसली बिकॉज ऑफ इट द फुलिश पपी टू. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बच्चे बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि हर जगह से फ्रेज से सिर्फ एक ही बात आ रही है कि मोर मनी, तो उन्हें लगता है कि जो वुडन क्या है हॉर्स है वो भी बोल रहा है मोर मनी, ठीक है? उनकी डॉल्स होती हैं तो उन्हें लगता है मोर मनी. तो इंस्पाइट अगर हम हर चीज को देखें यहाँ पे, तो वो ये कहते हैं कि हर टॉय उनका क्या बोलता है कि वी नीड मोर मनी. कोई डाउट था यहां तक? जल्दी बोलो. अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैंने पूछा आपको डाउट है, आपने कहा डाउट है, क्या डाउट है? मन की बात थोड़ी पढ़ूंगी ना मैं, जल्दी बताओ, ठीक है? येट नो बडी एवर सेड इट अलाउड, द विस्पर वॉज एवरीथिंग. तो यहाँ पे बार बार यही बताया गया था कि किसी ने बच्चों को बोला नहीं था कि भाई पैसे ज्यादा चाहिए, बट उनको बार बार सुनाई देता था कि भाई वी नीड मोर मनी. कोई डाउट था यहां तक? जल्दी जल्दी मुझे बताइए. ओके, चल सकते हैं आगे. चलो तो क्विज नंबर वन खेल लें. हाँ, क्विज नंबर वन खेल लो. देखो, व्हाट हॉन्टिंग फ्रेज सीम्स टू बी स्पोकन बाय द हाउस, व्हाट हॉन्टिंग फ्रेज सीम्स टू बी स्पोकन बाय द हाउस, वेयर हैज द लग गॉन, मदर डज नॉट लव अस, टाइगर ब्लड इज इन माई वेंस, देयर मस्ट बी मोर मनी. बेटा बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्विज नंबर वन का लास्ट सेशन में, जिसमें अलग तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट सेम क्वेश्चन है, मतलब कि अलग पॉइंट से पूछा गया, अलग तरीके से पूछा गया, बट उसका आंसर सेम है. क्वेश्चन नंबर टू, पॉल मदर टेल हिम दैट, पॉल मदर ने क्या बोला था? पीपल मेक देयर ओन लक, इट इज बेटर टू बी बॉर्न रिच, इट इज बेटर टू बी बॉर्न लकी, हिज फादर इज अ लकी मैन. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, इट्स वेरी सिंपल, जल्दी जल्दी बता दो हमको, तुम बता दो, टाइम अप हो गया. चलो अब यहां पे देखो, तो सबसे पहले हमने यहां पे क्या देखा था कि एक हॉन्टिंग फ्रेज चलता था कि देयर मस्ट बी मोर मनी, क्योंकि उन्हें लगता था उनके पास पैसों की कमी है, चाहे उनके पास नौकर चाकर सब थे, लेकिन उन्हें लगता था कि पैसों की कमी उनके पास बहुत है. क्लियर है? आगे चलें. ओके, पॉल मदर टेल हिम दैट, पॉल की मदर ने क्या बोला था बच्चा? जल्दी बताओ. देखिए, पॉल की मदर ने कहा था कि इट इज बेटर टू बी बॉर्न लकी, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आपके पास लक है तो आपके पास पैसे आप कमा ही लोगे, लेकिन अगर आप रिच भी पैदा होते हो तब भी आपके पास ये है कि आपके पास पैसे खत्म हो सकते हैं. उसने ये कहा था उसके फादर अनलक्की मैन है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी. पीपल मेक देयर ओन लक, नहीं, ये नहीं बोला था उन्होंने, सी पार्ट बोला था कि हमें लक होना है, ठीक है? वन मिनट, देखो अगर आपको डाउट है तो डाउट बताइए, अगर आपको डाउट है तो आप डाउट बताइए, डाउट है नहीं लिखना है, ठीक है ना? ओके, आगे चलो. फिल द लुकर डज मीन मनी, सेड द मदर, बट द लुकर नॉट लक, ओ सेड द बॉय, देन व्हाट इज द लक मदर? तो उसने आगे से ये बोला था, यू हैव मनी, इफ यू आर लकी यू हैव मनी, अगर तुम्हारे पास, तुम लकी हो, अगर तुम लकी हो तो तुम्हारे पास पैसा है. That's why it better to born lucky. इसलिए आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए than rich. चाहे आप पैदा रिच नहीं हुए हो लेकिन आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, ओ विल यू एंड द फादर इज नॉट लकी, तो उसने क्या कहा था कि क्या फादर जो है उनके फादर हैं जो अनलकी हैं, तो उन्होंने आगे से क्या बोला था, हाँ भाई बिल्कुल ही अनलकी हैं. तो क्या बोला था, अनलकी हैं, ठीक है? बिटरली, मतलब वो भी कड़वेपन से. यहां तक कोई डाउट था? जल्दी बेटा मुझे बताइए, कोई डाउट था आपको? ओके, आगे चलें. आई डोंट नो, नो बडी एवर नोज वाई पर्सन इज लकी एंड अनदर. तो उसने आगे से, पॉल ने क्या पूछा था, उस पॉल ने पूछा था कि बताइए कि पर्सन लकी और अनलकी कैसे होता है, तो उसकी मदर ने क्या बोला था, भाई ये तो नहीं पता कि लकी कैसे होता है या लकी नहीं होता, ठीक है? कोई डाउट? चलो
He ought to then, you aren't you lucky mother, I can't be if I married unlucky husband. तो उसने कहा कि भाई अगर फादर अनलकी है तो तुम भी तो अनलकी हो. तो उसने ये कहा था कि मैं अनलकी नहीं होती अगर मैंने तुम्हारे फादर से शादी नहीं करी होती. तो यहाँ तक कोई डाउट था? जल्दी बताइए. देखिए क्विज नंबर टू भी अभी ही आएगा, ठीक है? क्विज नंबर टू आपकी स्क्रीन पे अभी ये रहा. देखिए, टू द आउटसाइड वर्ल्ड Paul mother appears to be a loving mother, but the children know. Childrens को क्या पता था? बेटा ये lecture one, lecture two पे based है, जल्दी बताइए आप. बाहर के लोगों को लगता था कि जो Paul की mother है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही loving है. लेकिन बच्चों को क्या पता था? She cannot love them. She drink too much. She workaholic. She goes shopping too much. Question number two. Okay. Who said that God has said to him that he is lucky? किसने बोला था कि भगवान ने कहा है कि वो लकी है? Paul ने, मदर ने, लिटिल सिस्टर ने या अंकल ऑस्कर ने? जल्दी जल्दी बता दो हमको, तुम बता दो जल्दी जल्दी जल्दी. टाइम खत्म हो रहा है, जस्ट 2 seconds हो गया. देखिए, टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के लोगों को लगता था कि जो पॉल की मदर है वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बच्चों को पता था कि वो प्यार नहीं करती है. तो ए पार्ट यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट. ठीक है, ओके. अब दूसरा देखिए, हु सेड दैट गॉड हैज सेड टू हिम दैट ही इज लकी. तो हमने ये देखा था कि पॉल ने बोला था अपनी मदर को कि भाई भगवान ने मुझे कहा है कि मैं तो लकी हूं. ठीक है, ओके. अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है, हमने यहाँ पे बात करी थी रिपीटिंग का. आई एम गिविंग यू समरी, ठीक है, ओके. यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. आगे मैं जब जो पढ़ाने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपको समराइज कर देती हूँ, ठीक है. हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके. अब मेरी साथ समरी देखिए, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर देंगे, ठीक है, ओके. अब समरी देखो, हमने यहाँ पे बात करी थी पॉल की और उसकी मदर की, ठीक है, और उसकी सिस्टर्स की, ठीक है. हमने अभी तक कैरेक्टर क्या पढ़ा? पॉल का और मदर का. क्या पढ़ा था मदर का कैरेक्टर? कि जो मदर है वो खुश नहीं है शादी करके, ठीक है. हिंदी में लिख दूँ? चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, चलो, ठीक है. जो मदर है वो खुश नहीं थी, खुश नहीं थी, ठीक है, नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके फादर से, ठीक है, पॉल के फादर से या पापा से जो उनकी शादी हुई है वो इस वजह से वो अनलकी हो गई, ठीक है. क्या उनके पास पैसों की कमी थी? पैसों की कमी थी? नहीं भाई, पैसों की कमी नहीं थी. लेकिन जो पॉल है यहाँ पे कहता है अपनी मदर को, क्या लक जो वो होता है जिनके पास पैसा होता है, लक वो होता है जिनके पास पैसा होता है. तो उसकी मदर आगे से क्या बोलती है कि पैसा होना लक नहीं है, लेकिन लक अगर होगा तो पैसा जरूर आएगा. प्लीज इस लाइन को समझिए. एक बच्चे ने डाउट बोला है तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है. तो उसकी मदर ने क्या बोला कि भाई जिनके पास पैसा है वो लकी नहीं है, लेकिन जो लकी है उनके पास पैसा जरूर होगा. तो इससे बेटर है कि हमें अमीर पैदा नहीं होना है, लेकिन हमें पैदा कैसे होना है अगर हम लकी, ठीक है. तो जो बॉय होता है वो बिलीव नहीं करता है, ठीक है, उसकी मदर में, कि उसकी मम्मी कहती है कि हम लकी नहीं है. तो उसने कहा कि भाई मेरे को गॉड ने बोला है, मुझे भगवान ने बोला दैट यू आर लकी. अब उसकी मम्मी को पता भगवान आके खुद थोड़ी बोलेगा इसकी, इसलिए उसकी माँ कड़वे वचनों की तरह हंस के उसको टाल देती है. अब जो पॉल होता है ना वो बहुत ज्यादा रूडली, मतलब कि बिल्कुल पावर के साथ ये बोलता है कि भाई मुझे तो भगवान ने कहा है, चाहे उसे खुद समझ नहीं आती भाई मैंने ऐसा कैसे बोल दिया. लेकिन जब वो देखता है कि मैं इतना पावरफुल होके इतने तरीके से अपनी मदर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरा मजाक बना रही है, इसलिए वो गुस्से में चला जाता है. कहाँ जाता है? हॉर्स होता है एक वुडन, उस पर बैठ के ऐसे खींचता है हॉर्स को, ठीक है. उसकी बहनें देख रही होती हैं. अब उसकी बहनों को पता है जब इसको गुस्सा आता है ना तो ये ऐसी हॉर्स के ऊपर बैठता है, तो उसकी बहनें चुप करके बैठ जाती हैं. अब आगे की स्टोरी अब हम पढ़ते हैं. अब तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चा, चलें, चलो.
When he had risen to end of his mad little journey, he climbed down and stood in front of his rocking horse, staring fixedly into its lowered face. Its red mouth was slightly open. Its big eye was wide and glazy bright. देखो ध्यान से क्या बोल रही हूं मैं, देखो आप यहाँ पे ध्यान से, ठीक है? यहाँ पे क्या है, when he has ridden to end of his mad little journey, इसका ये मतलब होता है कि ridden मतलब ग्रस्त, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब जो हमारा पॉल आया था, ठीक है, वो वुडन होर्स पे बैठा था, जब उसको सब कुछ बैठ गया, सब कुछ सोच लिया, तो अब वो होर्स से नीचे आ गया, ठीक है? ओके, He climbed down and stood in front of the rocking horse. अब जैसे ही पहले तो यहाँ पे बैठा, horse पे बैठा, अब उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा शांतवांत हुआ होगा तो horse से उतर गया और उसके बाद horse के आगे ऐसे खड़ा हो गया, मतलब कि ऐसे, और साथ ही साथ staring fixed into the his lowered face, मतलब कि अब horse है, अब horse का मुंह नीचे होगा, ठीक है? अब जैसे ही नीचे है उसको ऐसे घूर के देख रहा है, कैसे देख रहा है, घूर के देख रहा है। He stared fixedly into his lowered face. Its red mouth was slightly open. Its big eye was wide and glazy bright. अब यहाँ पे देखिए, अब जो पॉल होता है वो बहुत गुस्से में होता है, ठीक है? तो उसका रेड माउथ मतलब कि जो उसका फेस होता है वो बिल्कुल रेड हो चुका होता है गुस्से में, और वो बिल्कुल चमकते हुए अपनी आंखों को नित्य मतलब फिक्सली उस हॉर्स को घूरता रहता है। क्या कह रही हूँ, हॉर्स को घूरता रहता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है आपको? जल्दी जल्दी मुझे बताइए अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है? आगे चलें, ओके चलो। नाउ ही वुड साइलेंटली कमांड द स्नॉटिंग स्टीड, नाउ टेक मी वेयर देयर इज लक, नाउ टेक मी। तो वहां पे वो जाके ही वुड साइलेंटली कमांड द स्नॉटिंग स्टीड। स्नॉटिंग स्टीड का मतलब क्या होता है, जैसे ही वो उतरता है वो हॉर्स की तरफ देखता है और हॉर्स को कहता है अब मुझे लेके चलो जहां पे लक होता है, जहां पे लक होता है। टेक मी देयर, नाउ टेक मी देयर, मतलब मुझे वहीं के वहीं लेके जाओ। कोई डाउट आगे बताइए मुझे। एंड ही वुड स्लैश द हॉर्स ऑन द नेक विद अ लिटिल विप ही हैड आस्क्ड अंकल ऑस्कर फॉर। अब यहां पे देखिए, एंड ही वुड स्लैश द हॉर्स ऑन द नेक। स्लैश द हॉर्स ऑन द नेक का क्या मतलब, बहुत तेजी से वो खींच रहा है। लिटिल विप ही हैड आस्क, मतलब कि जरा सी जो चीज वो बोल रहा है ना, तो वो खींच के बोल रहा है भाई मुझे पता है कि तू मेरे को लेके जा सकता है जहां पे लक होगा, तो वो यहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक है? ही न्यू द हॉर्स कुड टेक हिम और वेयर देर इज लक इफ ओनली ही फोर्स टू, ठीक है? तो उसे लगता है कि जो उसके अंकल ऑस्कर ने बोला है द नेक द कुड टेक हिम, उसको लगता है कि ये जो हॉर्स है इसे अंकल ऑस्कर के पास ही ले चल अगर तुझे लक को नहीं पता, क्योंकि अंकल ऑस्कर को पता है कि लक कहाँ है, ठीक है? सो ही वुड माउंट अगेन एंड स्टार्टेड ऑन अ फ्यूरियस राइड होपिंग एट द लास्ट टू गेट देयर। फ्यूरियस मतलब अति क्रोध पे, ठीक है? राइड मतलब सवारी। ही न्यू ही कुड गेट देयर, उसे लगता है कि वो वहां पे लेके जा सकता है। मैम एक बारी ना ये पैराग्राफ ना आप फिर समझाइए, ये पैराग्राफ आप प्लीज समझाइए, मैं समझा रही हूं। एक बारी ध्यान से इस पैराग्राफ को देखिए। अब यहां पे क्या है, सुनिए ध्यान से, अब यहां पे क्या है कि जो पॉल है वो घोड़े पे बैठा है, ठीक है? सपोज कोई भी घोड़ा ले लीजिए, पेन है, घोड़े पे बैठा, अब गुस्से से उतर के घोड़े के आगे खड़ा हो गया। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, ठीक है? बहुत ज्यादा गुस्से में है कि उसकी माँ ने उसकी बातें नहीं सुनी, ठीक है? उसकी माँ उससे रिएक्ट ढंग से नहीं कर रही, तो भाई वो सोच रहा है, पॉल उसका मुंह ऐसे उतरा हुआ है, वो कह रहा है भाई मैंने इतनी फोर्सफुली बोला, इतने कॉन्फिडेंट से बोला, बट उसकी माँ ने उसकी बात नहीं सुनी। तो वो उतरता है, हॉर्स को देखता है, हॉर्स का जो मुंह होता है वो बेंड होता है, तो उससे देख के ग्लेड मतलब कि घूरने वाला चमकता हुआ मुंह बिल्कुल रेड हुआ, तो वो कहता है कि वहां लेके चल जहां पे किस्मत है। क्या बोलता है कि वहां लेके चल जहां पे लक है, टेक मी देयर, टेक मी देयर। अब हॉर्स कैसे लेके जाए, ठीक है? हॉर्स भाई बेचारा वो तो जिंदा भी नहीं है, वो तो थिंग है, वो कहां से लेके जाएगी? तो वो कहता है कि अच्छा अगर तू लक के पास नहीं लेके जा सकता तो तू मुझे ऑस्कर अंकल ऑस्कर के पास ही लेके चल, उन्हें पता है कि लक कहाँ होता है। तो वो बैठ जाता है गुस्से में और तेजी तेजी घोड़े को हिलाता है, उसे लगता है कि भाई ये हॉर्स जो है मेरे को अंकल ऑस्कर के पास तो लेके ही चले जाएगा।
अब क्लियर हो गया बेचा? अब कोई डाउट है? चले आगे। ओके, तो यहां पे देखिए, बस हमने यहां पे यही पढ़ा है, नथिंग मच। हमने यहां पे यही पढ़ा है कि अंकल ऑस्कर को पास ले जाने के लिए पॉल कहता है प्लीज लेके चलो वहां पे। उसे लगता है कि ये जो हॉर्स है ये तो लेके चला ही जाएगा। क्लियर? चल अब आगे चलते हैं। यू विल ब्रेक योर हॉर्स पॉल, सेड द नर्स। अब जो बच्चों का देखभाल करने आती थी ना, केयर टेकर, नर्स का क्या मतलब हुआ, जो केयर टेकर, ठीक है, जो पॉल को या उसकी बहनों को संभालने आती थी, तो वो आगे से क्या बोल रही है? यू विल ब्रेक द हॉर्स। भाई हॉर्स है, ठीक है, क्या है? हॉर्स है, उसको इतनी तेज तो मत कर, टूट जाएगा। भाई कोई वुडन हॉर्स है, ठीक है, कोई टॉय है, अगर उसके ऊपर चढ़ ही जाओगे और उसको मारते रहोगे, भाई थिंग है, टूटेगी। तो यू विल ब्रेक द हॉर्स। ही ऑलवेज राइडिंग लाइक दैट, आई विश आई वुड लीव ऑफ, सेड द सिस्टर जॉन। तो अब सिस्टर जॉन का क्या आया है, कैरेक्टर है, तो वो कहती है कि ये हमेशा ऐसे ही करता है, ठीक है, वो हमेशा ऐसे ही करता है, क्या कि हॉर्स को तेजी से करेगा, और मैं भी चाहती हूं कि भाई ये रुक जाए, बट काश ये हो सकता, ये मेरी बात मान जाता। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ समझिए, उसके बाद एक्सप्लेन करते हूँ। बट ही ओनली ग्लेयर डाउन ऑन देम इन साइलेंस। नर्स गेव हिम अप, शी कुड मेक नथिंग ऑफ हिम, एनी हाउ शी वॉज ग्रोइंग बियॉन्ड हर। अब यहां पे देखो, बट ही ओनली ग्लेयर डाउन ऑन देम इन साइलेंस, लेकिन वो बिल्कुल हॉर्स को टकाटक देख रहा था। ग्लेयर्ड मतलब कि स्टेयर्ड इन एंग्री, भाई तू मेरे को लेके नहीं गया अंकल ऑस्कर के पास, ठीक है। नर्स गेव हिम अप, नर्स ने गेव अप कर दिया, भाई ये तो सुनने वाला है ही नहीं। शी कुड मेक नथिंग ऑफ हिम, ठीक है, वो समझा समझा के थकी, भाई उसे तो समझना ही नहीं है, ठीक है। एनी हाउ ही वॉज ग्रोइंग बियॉन्ड हर, एनी हाउ, लेकिन जो उसका गुस्सा था वो उससे बहुत ज्यादा था, मतलब कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि उसकी मदर ने उसे बोला। क्लियर है? तो समरी देखो बेटा, आप यहाँ तक की समरी देखो, ठीक है, कोई डाउट आता है बताइए, आपके बच्चे बता रहे हैं तो आई एम एक्सप्लेनिंग दम, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ को, इस पैराग्राफ में क्या होता है कि जो पॉल है, इमेजिनेशन करेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा, ये पॉल है, ये बहुत ज्यादा गुस्से में, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी वो अपनी मम्मी से मिलके आया है और उसकी मम्मी ने उसको मजाक बनाया, उसकी मम्मी ने क्या किया, उसका मजाक बनाया। कैसे मजाक बनाया? उसकी मदर ने कहा कि अच्छा तुम्हें भगवान ने कहा है, अच्छा तुम्हें भगवान ने कहा है, गॉड ने कहा है कि तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। तो वो यहाँ पे हंस रही हैं पॉल की बातों पे। अब पॉल बेचारा बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा एंग्री, तो गुस्सा भी है और एंग्री भी है। तो वहां पे एक हॉर्स होता, हॉर्स पे जाके बैठ जाता। अब हॉर्स पे जो, तो वो बैठ गया, मैं क्या कह रही हूँ, हॉर्स पे जाके वो बैठ गया। अब बैठने के बाद वो हॉर्स को कहता है भाई मेरे को लेके चल जहां पे लक है। कहाँ कह रहा है? जहां पे लक है। अब लक तो है, ठीक है, अब उसे पता चलता है भाई ये हॉर्स तो लेके नहीं जा सकता, तो वो कहता है अंकल ऑस्कर के पास ही लेके चल। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? अंकल ऑस्कर के पास ही लेके चल, क्योंकि अंकल ऑस्कर को पता है क्या कि लक कहाँ है। तो आगे नर्स आती है, वो कहती है पॉल भाई तोड़ दोगे तुम, टॉय तो है और तुम ऐसे राइड कैसे करे। तो उसकी बहन कहती है हमेशा ही ऐसे राइड करता है, मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करे, लेकिन सुनता कहाँ है। तो जो नर्स होती है वो कहती है, नर्स भी गिव अप कर देती है, भाई मेरे से तो नहीं होता, ये तो मेरी बात सुनने वाला नहीं है। क्लियर है? ओके, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलें। चलो, चैप्टर नंबर 3, द रॉकिंग हॉर्स विनर वुवन वर्ड्स, ठीक है, वुवन वर्ड्स बुक, ठीक है, चैप्टर हमेशा ऊपर लिखा होता है। ओके, वन डे हिज मदर एंड हिज अंकल ऑस्कर केम इन व्हेन ही वाज वन ऑन द फ्यूरियस राइड। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसकी मम्मी भी आई और अंकल ऑस्कर भी आ गए, और वो वहां पे अति क्रोधित की तरह, एक दिन क्या हुआ कि वो घोड़े पे बैठा और घोड़े को वैसे ही चला रहा है जैसे गुस्से में जैसे हमेशा चलाता है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, आगे चलें। चलो, ही वॉज ऑन द फ्यूरियस राइड, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, अति क्रोधित, ठीक है, ही डिड नॉट स्पीक टू देम। अब भाई उसे बहुत गुस्सा है उस दिन का कि उसकी मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी,
और सारा टाइम बच्चा बेचारा वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है वी वॉन्ट मोर मनी के नाम से, ठीक है। तो एक दिन वो गुस्से में, बिकॉज बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, इरिटेटेड है, उसे बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये चल क्या रहा है जिंदगी में। तो वो वैसे ही हॉर्स पे बैठ के फ्रस्ट्रेटेड होके, मतलब कि बिल्कुल गुस्से में हॉर्स को चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ठीक है। तो एक दिन उसके अंकल भी आ जाते हैं और मम्मी भी आ जाती है, अंकल ऑस्कर भी आते हैं और वो देखते हैं बड़ी गुस्से से ये तो चला रहा है, और वो देख लेता है कि हाँ भाई मम्मी और अंकल आए, बट वो बात नहीं करता, वो बात नहीं करता। क्लियर है? ओके, आगे चले बेटा, चलो आगे चले। तो यहां पे देखिए आगे, ओके। हेलो यू यंग जॉकी राइडिंग द विनर, सेड द अंकल। तो अंकल ने कैसे बोला, हे यू यंग जॉकी राइडिंग द विनर। राइडिंग द विनर का क्या मतलब हुआ, अच्छा हॉर्स की राइड कर रहा है तू, रेस में है, तू जीत जाएगा, विनर, तू तो जीत गया। सेड द अंकल, अंकल ने बोला। अंकल कौन थे? ऑस्कर थे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलें, चलो। Aren't you growing too big for a rocking horse? You are not very little boy and longer you know, said the his mother. अब उसकी मम्मी कहती है क्या, You are growing too big for the rocking horse. Aren't you? क्या तुम्हें नहीं लगता? Aren't you? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़े बच्चे हो इस रॉकिंग हॉर्स के लिए? अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, ठीक है। आगे क्या बोलती हैं, अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, ठीक है। एंड नो लॉन्गर यू नो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस हॉर्स के लिए बहुत बड़े हो। कौन कहता है? मम्मी बोलती है। तो देखिए सिचुएशन को रिपीट कर रही हूं, देखो ध्यान से। वन डे, एक दिन क्या होता है, उसकी मम्मी आती है और अंकल ऑस्कर आते हैं। अब वो घोड़े पे बैठा है और बिल्कुल गुस्से में चल रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है अभी घोड़ा का घोड़ा टूटा, ठीक है। उसके बाद अब उसके अंकल देखते हैं, क्या कहते हैं, हे यू यंग जॉकी, यू यंग मैन, राइडिंग अ विनर, बस जीत गए हो तुम, ठीक है, हॉर्स की रेस में, सेड हिज अंकल। अंकल ऑस्कर ने बोला, आरंट यू ग्रोइंग टू बिग फॉर अ रॉकिंग हॉर्स। अब उसकी मम्मी क्या बोलती है, आरंट यू, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम इस हॉर्स के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो? और फिर उसके बाद कहती है, देखो तुम बड़े हो गए हो और इस पे राइड ऐसे तुम मत किया करो, ठीक है। क्लियर हो गया? अब चले आगे। बट द पॉल ओनली गेव अ ब्लू ग्लेयर फ्रॉम हिज बिग रैदर देन क्लोज सेट आईज। लेकिन जो पॉल होता है ना, जो पॉल होता है वो एकदम से ऐसे देखता है, क्या कह रही हूं, ऐसे गुस्से में देखता है अपनी मम्मी को, नथिंग एल्स, उस कुछ नहीं बोलता। ही वुड स्पीक टू नो बडी वेन ही वॉज इन अ फुल टिल्ट, ठीक है। टिल्ट का क्या मतलब होता है, झुकाव। तो वो आगे से बिल्कुल झुकाव में हॉर्स है, तो वो कहता है कि भाई ये नहीं बात करेगा, ठीक है। बट द पोल ओनली गेव अ ब्लू ग्लेयर फ्रॉम हिज बिग, ठीक है, रैदर क्लोज सेट आईज। ही वुड स्पीक टू नो बडी वेन ही वॉज इन अ फुल टिल्ट। हिज मदर वॉच हिम विद एंशियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। एंशियस का मतलब होता है चिंता या गुस्से में, ठीक है, चिंतित होके या फ्रस्ट्रेट होके, ठीक है। तो यहां पे अब पॉल ऐसे मुंह करके रह गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जल्दी बताइए। उसके बाद उसकी मम्मी ऐसे देख रही होती है, तो पॉल तो बात नहीं कर रहा होता, पॉल बिल्कुल ऐसे झुक के बैठा। क्लियर है यहां पे? बस यहां पे यही लिखा है कि जब उसकी मम्मी कहती है कि तू बड़ा हो गया इस हॉर्स के लिए, उसके बाद कहते हैं, अंकल कहते हैं क्या तूने बस ये रेस करा जीत गया, तो वो कुछ नहीं बोलता, बस एक बारी ब्लू कलर की आईज हो जाती है और वो एक बारी देखता है और उसके बाद मुंह नीचे करके बैठता, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहता। क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताइए, चलो आगे चलें, चलो। एट लास्ट ही सडनली स्टॉप्ड फोर्सिंग हिज हॉर्स इनटू द मैकेनिकल गैलोप एंड स्लाइड डाउन। गैलोप का मतलब क्या होता है, सरपट, ठीक है, सरपट। एट लास्ट ही सडनली स्टॉप फोर्सिंग हिज हॉर्स, और एकदम से वो क्या करता है, स्टॉप फोर्सिंग हिज हॉर्स मतलब कि बहुत तेजी से वो हॉर्स को खींच रहा था, अब एकदम से रुक जाता है और मैकेनिकल स्लोप एंड स्लिड डाउन, और एकदम से उतर जाता है हॉर्स से, हॉर्स को छोड़ के, ठीक है। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे देखो। Well, I got there, he announced furiously, his blue eyes still flaring and his sturdy long legs straining apart. ठीक है, fiercely मतलब जमकर, ठीक है, his blue eyes still flaring, flaring मतलब जगमगाना, ठीक है, जगमगाना, भड़कता हुआ, बिकॉज जगमगा रही है, बिल्कुल स्टेयर कर रही है उसकी आईज।
एंड हिज स्टडी लॉन्ग एग्स ट्रेडलिंग अपार्ट. मतलब क्या हुआ, तो एक दम से वो घोड़े से उतरता है, ठीक है, घोड़े को छोड़ देता है, और साथ ही साथ जो उसकी आंखें होती हैं वो बहुत ज्यादा चमक रही होती है. एंड ही सडनली लॉन्ग लेग्स ट्रेडिंग अपार्ट, और यहाँ पे यही लिख रखा है कि उसकी जो लॉन्ग लेग्स होती हैं वो बिल्कुल साइड में हो जाती हैं, ठीक है. वेल डिड यू गेट टू, आस्क हिज मदर, वेयर डिड यू गेट टू. तो उसकी मम्मी पूछती है कि वेयर डिड यू गेट टू, कहाँ जा रहे हो, क्या समझ में आ रही है मेरी बात. वेयर आई वॉन्टेड टू गो, ही फ्लिट बैक एट हर. तो वो कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए. पहले उसकी मम्मी क्या बोल रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, और उसके बाद वो गुस्से में अपनी माँ को देख रहा है और क्या कह रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कहाँ जाना है. क्लियर है, चले आगे, चल आगे देखो. वेयर आई वॉन्टेड टू गो, ही फ्लिट बैक एट हर, ठीक है, ओके. दैट्स राइट सन, सेड अंकल ऑस्कर, डोंट यू स्टॉप टिल यू गेट देयर, व्हाट्स द हॉर्स नेम. दैट्स राइट सन, तो एकदम से वो कहता है अंकल, बोलता हाँ ये तो तू सही बोल रहा है, डोंट यू स्टॉप टिल यू गेट देयर, तुम जब तक वहां पहुंचोगे नहीं तब तक तुम रुकोगे नहीं. व्हाट द हॉर्स नेम, हॉर्स का नाम क्या है. वो तो यहाँ पे किसकी बात करने लग गए, वो तो हॉर्स रेस के बारे में बात करने लग गए. आगे देखें, चलो. ही डजंट हैव अ नेम, सेड द बॉय. अब वो क्या कह रहा है कि भाई उसका तो नाम ही नहीं है. क्लियर हो गया, चले आगे. गेट ऑन विदाउट ऑल राइट, आस्क द अंकल. तो वो आगे से क्या बोल रहा है, गेट आउट विदाउट राइट, ठीक है, कोई बात नहीं अगर उसका नाम नहीं है, ठीक है. क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं उसका नाम नहीं है, तो गेट ऑन विदाउट ऑल राइट, ठीक है, बिना नाम के चल रहे हो, ठीक है, ओके. आगे, वेल ही हैज अ डिफरेंट नेम, ही सेड कॉल्ड सन वॉज नो लास्ट वीक. तो वहां पे उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसका नाम दे रखा है सैनसोविनो, ठीक है, सैनसोविनो, ओके. वेल वो कहता है कि ये जो हॉर्स का नाम है ना, वो अलग रेस में बिल्कुल अलग अलग नाम से लिया जाता है, लेकिन उसका जो नाम है वो क्या है, सैनसोविनो. क्लियर है, लास्ट हफ्ते में उसको सैनसोविनो के नाम से बोला गया था. कोई डाउट यहां तक बेटा, जल्दी बोलिए, ठीक है. सैनसोविनो वन द एस्कॉट, ठीक है. हाउ डिड यू नो हिज नेम, तो वो आगे से बोलता है सैनसोविनो ए, अच्छा इसका नाम ये है, वन द एस्कॉट. एस्कॉट का क्या मतलब बेटा, कोई घोड़े का नाम होगा, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, कोई घोड़े का नाम होगा, या हम ये कहें कि हॉर्स रेस होती है ना, हॉर्स रेस को उसमें जो घोड़ा होता है उसे हम एस्कॉट नाम से बोल रहे हैं, ठीक है. हाउ डिड यू नो हिज नेम, तो आगे से अंकल बोलते हैं भाई तुझे कैसे पता कि उसका नाम सैनसोविनो है, लास्ट वीक उसे ये बोला गया था. ही ऑलवेज टॉक अबाउट हॉर्स रेसेस विद बेसेड, सेड द जॉन. तो आगे क्या लिख रखा है कि वो हमेशा हॉर्स रेसेस के बारे में बात करते हैं विद बेसेट. बेसेट का क्या मतलब होता है, प्रॉपर नाउन होता है एक तरह का, जो नेम डिफाइन होता है, ठीक है, जो शॉर्ट पर्सन होता है जिनकी हाइट जो छोटी होती है उसे बोलते हैं ब्रिटिश में, इन इंग्लिश सरनेम, ठीक है. जैसे हमारे सरनेम्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो वहां पे बेसेट भी सरनेम होता है. ही ऑलवेज टॉक अबाउट हॉर्स रेसेस विद बेसेट, तो वो कहती है कि भाई एसोच है उसका नाम और सैनसोविनो था, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा हॉर्स रेसेस के बारे में बात करता था विद बेसेट, सेड द जॉन. जॉन कौन है, पॉल की बहन, पॉल सिस्टर. क्लियर हो गया, कोई डाउट है अभी बताइए, कोई डाउट है बच्चा अभी बता दो. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक. अब यहां पे ध्यान से देखिए, इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, अगर डाउट आ रहा है नो इशू, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट समझ के जाना है घर में, ठीक है, मतलब वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पॉल है वह एकदम से घोड़े के नीचे उतर जाता है, ठीक है, और हॉर्स को देखता है, ग्लेड एट हॉर्स फ्यूरियसली, मतलब कि बिल्कुल जम कर गुस्से से देखता है, ठीक है, और उसकी मम्मी कहती है कि भाई तू कहाँ जा रहे उतर के, तो वो कह रहा है कि आपको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए मुझे, ठीक है. तो उसका अंकल कहता है दैट राइट सन, तुम सही बोल रहे हो, डोंट यू स्टॉप टिल यू गेट देयर, तुम रुकोगे नहीं जब तक तुम पहुंच जाओगे. तो यहाँ से हमें इंट मिल रहा है कि कोई हॉर्स रेस के बारे में बोल रहे हैं. अब वो कहता है कि भाई तेरे हॉर्स का, तेरे घोड़े का नाम क्या है, तो वो कहता है कि उसके उसके ना नाम हर जगह हर कहीं अलग अलग है, ठीक है, ही हैज डिफरेंट नेम्स, लेकिन लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते उसे बोला गया था सैनसो
अब वो कहता है सेंस ऑफ विनो एंड वन द एस्कॉट, एस्कॉट मतलब हॉर्स रेस, ठीक है। हाउ डिड यू नो हिज नेम, तुम्हें कैसे पता कि इस हॉर्स का नाम सेंस ऑफ विनो है। तो उसने आगे से क्या बोला, ही ऑलवेज टॉक अबाउट हॉर्स रेसेस। तो यहाँ पे देखिए उसकी बहन क्या बोलती है कि ये जो पॉल है हमेशा हॉर्स रेसेस के बारे में बात करता है। किन से बात करता है, विद बेसेट। बेसेट का क्या मतलब होता है, सरनेम होता है किसी पर्सन का जिनकी हाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है। सेड द जॉन, और कौन कहता है, जॉन बोलता है। क्लियर है, आगे चले बेटा, चलो अब पढ़ लो आगे, ठीक है। द अंकल वॉज डिलाइटेड टू फाइंड हिज स्मॉल नेफ्यू वॉज पोस्टेड विद ऑल रेसिंग न्यूज। तो अंकल जो होता है ना, अंकल ऑस्कर, ठीक है, अंकल ऑस्कर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। क्या, अंकल जो ऑस्कर है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है भाई अच्छा मेरी छोटी सी भतीजी है, ठीक है, भतीजा है या भांजा है, ठीक है, उन्हें क्या पता है कि पूरी हॉर्स रेसेस के बारे में पता है। देखिए ध्यान से, जो अंकल है, नेफ्यू मतलब भांजा भांजी, ठीक है, ठीक है, वॉज पोस्टेड विद द रेसिंग न्यूज। तो उन्हें वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, भाई अच्छा ये भांजा भांजी को मेरी न्यूज के बारे में सब पता, मतलब रेसिंग न्यूज, जो रेस हो रही है घोड़ों की रेस हो रही है उनको सब कुछ पता है, ठीक है। बेसेट द यंग गार्डनर हु हैड बीन वाउंडेड इन द लेफ्ट फुट इन द वॉर एंड हैड गॉट अ प्रेजेंट जॉब थ्रू ऑस्कर सेरल हुज बैटमैन ही हैड बीन अ परफेक्ट ब्लेड ऑन द ट्रफ ही लिव्ड इन द रेसिंग इवेंट एंड अ स्मॉल बॉय लिव्ड विद हिम। ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग आएगा। देखो बेसेट मतलब जो एक इंसान ही है वो, उसका सरनेम बेसेट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसकी हाइट जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। गार्डनर है, कौन है, माली है, ठीक है, who has been wounded, जिसे चोट लगी थी, जिसे घायल हुआ था वॉर में, कोई लड़ाई में, ठीक है। अब उसकी जो प्रेजेंट जॉब है वो ऑस्कर सेरवेल में है, ठीक है, थ्रू ऑस्कर सेरवेल में है, whose batman he had been, जिसका वो बैटमैन हुआ करता था, जो परफेक्ट ब्लेड ऑफ द ट्रफ, ट्रफ मतलब मैदान, ब्लेड मतलब पत्ती, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो पॉल है वो हमेशा किसके साथ रहता था, बेसेट के साथ रहता था, जिसकी करंट जॉब क्या है, जो हॉर्स रेसेस में मैदान में जिसका काम होता है। थोड़ा सा उसको घायल हो गया था जब वो वॉर में था। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे स्मॉल बॉय है वो ज्यादातर उसी बेसेट के साथ रहता है। क्लियर है, कोई डाउट है बताइए जल्दी। चले आगे, चलो। ऑस्कर सेरिल गॉट इट फ्रॉम ऑल द बेसेट, मास्टर पॉल कम्स एंड आस्क मी सो आई कांट डू मोर देन टेल हिम सर, सेड बेसेट, हिज फेस टेरिबली सीरियस एफ ही वुड स्पीकिंग टू द रिलीजियस मैटर। ऑस्कर सेरिल गॉट इट ऑल फ्रॉम द बेसेट। तो जो हॉर्स रेसिंग है वो सारी की सारी जो प्रॉफिट मिला था वो बेसेट के थ्रू ही हो रहा था, ठीक है। मास्टर पॉल कम एंड आस्क मी, जो मास्टर मॉल, जो पॉल है उसे मास्टर बोला गया है, कम एंड आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, आई कांट डू मोर देन टेल हिम, तो उसे बोल दीजिए कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सेट द बेसेट, बेसेट ने बोला। और उसका जो फेस था वो टेरिबली, टेरिबली मतलब बुरी तरह, बहुत ज्यादा वो सीरियस लग रहा था, एज इफ वर स्पीकिंग ऑन द रिलीजियस मैटर, जैसे ऐसे लग रहा था कि वो कोई धार्मिक मैटर्स, धार्मिक बातों पे कोई चीज बोलना चाह रहा है। तो वो यहाँ पे कहता है कि बेसेट बोल रहा है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मास्टर पॉल के लिए आके वो बोलता है, और प्लीज उसे समझा दीजिए। और आगे ये यहाँ पे देखते हैं कि जो उसके फेस होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा बेचैन होता है और रिलीजियस मैटर पे बात कर रहा होता है, जैसे रिलीजियस मैटर पे बात करना। क्लियर है, चले ओके आगे देखो बेटा। And does he never put anything on the horse he fancies? Well, I don't want to give him away. He would is a young sport, a fine sport, sir. Would you mind asking himself? He's sort of taking a pleasure in it. Perhaps he would feel like I'm giving him away, sir, if you don't mind. ध्यान से देखो। And does he ever put anything on the horse he fancies? अब उसे हैरानी होती है, क्या वो horse के ऊपर कुछ और भी रखता है? Well, I don't want to give him away. He's a young sport. तो वो आगे से बोल रहा है बेसेट कि भाई मैं इसे कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग स्पोर्ट का, यंग पर्सन है, मतलब छोटा सा उम्र का है और अच्छा खेल रहा है। Would you mind asking himself? Would you mind asking himself? तो क्या तुम ये चीज उससे खुद पूछ सकते हो? He thought of taking a pleasure in it. उसे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा अभिराम है, उसे बहुत मजा आता है ये चीज बोलने के लिए। He would feel if I would giving him, sir, if you don't mind, sir. तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? He would feel,
आई हैव गिविंग हिम अवे, मैं इसको दे भी दूँ वो चीज़, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम ये चीज़ माइंड नहीं करते, अगर तुम्हें ये चीज़ हैरानी वाली नहीं होती। क्लियर है? आगे चले, चलो। बेसेट वॉज सीरियस एज अ चर्च, जो बेसेट था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस था। जैसे चर्च में क्या होता है, प्रे कर रहे हैं या मंदिर में हम प्रे करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आँख जोड़ के बैठ जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बेसेट भी है, बहुत सीरियसली आके बोलता है कि मैं पॉल के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आप उसे खुद समझा दीजिए। तो आगे से क्या बोलते हैं कि भाई तुम नहीं समझा सकते, क्या तुम समझा दो पॉल को। तो उसे लगता है ठीक है, ये अगर मैंने समझाना है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे चलें बेटा, चलो आगे चलते हैं। दिस अंकल वेंट बैक टू द नेफ्यू, ये अंकल जो होता है वो वापस जाता है अपने भांजे भतीजी पे, एंड टुक हिम ऑफ अ राइड इन द कार, और साथ ही साथ क्या करता है, कार में उसको राइड कराता है। से पॉल ओल्ड मैन, डू यू एवर पुट एनीथिंग ऑन द हॉर्स, अंकल आस्क। अब अंकल पूछता है कि तूने क्या हॉर्स पे कोई और चीज रखी थी, कोई हॉर्स पे कोई और चीज रखी थी। अब जाता किसके पास है, पॉल के पास वापस जा रहा है। अंकल को लगता है ठीक है मुझे भतीजे के पास जाना चाहिए, और उसके बाद कार में घुमाता और उससे पूछता है क्या तूने हॉर्स के ऊपर कोई और चीज भी रखी थी। क्लियर है यहां तक? देखिए बेटा ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, रॉकिंग हॉर्स विनर, रॉकिंग हॉर्स विनर, वुवन बुक, वुवन बुक इलेक्टिव बुक है, एनसीईआरटी की ही बुक है, मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। होप आपको यहां तक चैप्टर क्लियर है। अब टाइम टेबल देख लो, 12 बजे मैथ्स की होती है, 1 बजे केमिस्ट्री की होती है रोज ही, फिजिक्स की भी 2 बजे होती है और बायो की भी 3 बजे होती है, लेकिन मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को इंग्लिश ही होती है। तो आज क्या है, मंडे है, तो अब नेक्स्ट क्लास कब होगी, वेडनेसडे की होगी, 4 बजे होगी, और रॉकिंग हॉर्स विनर को हम और पढ़ेंगे। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली क्लियर द सेम। थैंक यू सो मच, डाउट नट पे बने रहे, बाय बाय, टेक केयर, लेकिन 7 बजे वाली क्लास में आपको आना जरूर है ग्रामर में, ठीक है, थैंक यू, बाय।